हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे खुशहाल होंगे और एच पी टैट की तैयारी अगर जोरों शोरों से कर रहे होंगे तो दोस्तों ये है आपका एच पी टैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ जिसमें हमने नॉन मेडिकल के साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं ये मेडिकल के क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम दो हज़ार के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं ये दो का हम अगस्त वाला या जून वाला पेपर या जुलाई वाला पेपर बोले वो वाला है बाकी इसका दिसंबर नवंबर वाला पेपर भी हम सॉल्व कर चुके हैं तो चलते हैं और देखते हैं दोस्तों द... कंडीशन विच डायरेक्ट असन टू आर्ट हिज गोल इज कल्ड तो द कंडीशनिंग विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुअर्ट हिज गोल इज कॉल्ड मोटिवेशन सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बारे क्वेश्चन नॉन मेडिकल में भी आया है मेडिकल में भी आया है जेबीटी में भी आया है तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन तो आपको रट लेने चाहिए द रिपिटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लेट्स टू स्ट्रॉन्ग दाइज इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल ऑफ थो रिपीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्ग टाइज इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल ऑफ थाइक तो लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट लॉ ऑफ एक्सरसाइज लॉ नन ऑफ द तो इसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ एक्सरसाइज की बार बार किसी चीज को रिपीट करना एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज बोलते हैं एक्सरसाइज कर लो प्रैक्टिस कर लो तो बार बार द क्वालिटी एबिलिटी ऑफ प्रसिविंग अंडरस्टैंडिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर इज कॉल्ड तो उसे क्या बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था देखिए आप ऑप्शन से बता सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी हु लैंग्वेज डिपेंड अपॉन थिंकिंग तो लैंग्वेज जो है वो डिपेंड करेगी थिंकिंग में ये प्याजे का थॉट था।, था किसका था प्याजे का था वो वाइगोस्की ने वाइगोस्की ने बोला था कि जो लैंग्वेज है और थॉट है वो तीन साल तक से पहले पहले अलग अलग होती है और तीन साल तक ये क्या है एक दूसरे को सपोर्ट करती है तो प्याजिस का आंसर है इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप्स तो इन विच ऑफ़ फॉलोइंग स्टेज तो एडोलोसेंस स्टेज होती है जिसमें क्या है वो चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पियर ग्रुप जब बच्चा बारह से तेरह साल तक आता है तो बच्चा खेलने कूदने लग जाता है अपने पेयर के साथ घूमता है मतलब उनके साथ इनकी कंपनी इंजॉय करता है तो क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर होगा ए क्वेश्चन नंबर छः प्रोसेस बाय विच सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बिकम क्लियर इज नोन एज थिंकिंग रीजनिंग नन ऑफ द एक्सपीरियंसिस तो द प्रोसेस इन विच द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज द एक्सपीरियंसिस तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा हु वाज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हेअर्की ऑफ नीड्स ऑफ द मोटिवेशन तो ये मैस्लो की थी हेरियर ऑफ नीड ऑफ मोटिवेशन ऑप्शन ए प्यूट्री ग्लैंड इज नोन एज द मास्टरी ग्लैंड ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल में एक बार नॉन मेडिकल के पेपर में भी आया हुआ है प्यूट्रिक्लैंड इज नोन एज द मास्टरी ग्लैंड परसेप्चुअल इंक्लूजनेशन ऑफ पर्सन टू आर स्पेसिफिक थिंग इज नोन एज एटीट्यूड तो किसी चीज के बारे में जो परसेप्शन इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टूवर्ड स्पेसिफिक थिंग किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में ठीक है तो जो आपकी परसेप्चुअल परसेप्शन uh, है किसी पर्सन के किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में उसको बोलेंगे एटीट्यूड आपका एटीट्यूड क्या है किसी के टूवर्ड ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमरी आइडेंटिफिकेशन रिटेंशन रिकॉल फीलिंग तो फीलिंग दोस्तों एक तरह का इमोशन है इससे मेमोरी का इससे कोई रिलेशन नहीं है तो क्वेश्चन नंबर दस का आंसर होगा डी विच इंटेलिजेंसी थ्योरी सपोर्ट द जनरल इंटेलिजेंसी एंड जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी तो ये टू फैक्टर थ्योरी थी दोस्तों थ्योरी ऑफ स्पीय टू फैक्टर फैक्टर नहीं सॉरी थ्योरी की थी किसकी थी स्पीयर मैन की थी इन्होंने जनरल फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बात की थी बाकी गार्डनर की तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी थ्योरी थी मल्टी इंटेलिजेंसी थ्योरी थी गिलफोर्ड की थ्री थ्योरी थी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवेल्प अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटी तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवेल्प्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज स्पिरिट ऑफ लीडरशिप कॉपरेशन डिसिप्लिन ऑल ऑफ द देखो ग्रुप थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज से तो स्पिरिट ऑफ लीडरशिप भी आएगी कॉपरेशन भी आएगा डिसिप्लिन भी आएगा ऑल ऑफ द अब अब मेंटल टार्डेड चिल्ड्रन आई क्यू विल बी तो जो मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन का आई होगा वो हमेशा सत्तर से कम होगा ठीक है क्योंकि सत्तर से ऊपर वालों का एवरेज आई होता है और सत्तर पे बॉर्डर लाइन होती है फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट वाज डिवेल्प बाय हु तो फर्स्ट इंटेलिजेंसी जो टेस्ट था वो बीनेट के द्वारा था इन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट के कहने पर ये टेस्ट बनाया था मेरे हिसाब से फ्रेंच ही गर्मेंट थी उनके कहने पर बनाया था ये इंडिविजुअल टेस्ट था एवरीज लर्नर इज अ यूनिक मीन्स दैट लर्नर डू नैदर हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजीनियस क्लासेस नो टू लर्नर लाइक इन देयर एबिलिटी इंटरेस्ट एंड टैलेंट दोस्तों ऑप्शन डी सही है कि किसी भी दो बच्चों की दो लर्नर की एबिलिटी इंटरेस्ट और टैलेंट सेम नहीं हो सकते अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिवेशन मोटिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव हंगर थ्रस्ट हैबिट स्लीप तो इसका होगा हैबिट तो अकॉर्डिंग टू पैज फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्युनेटिव डेवलपमेंट इज तो फर्स्ट स्टेज क्या थी इनके अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज दूसरी स्टेज थी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज तीसरी स्टेज थी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और चौथी स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय तो ये कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी गेस्टाल थ्योरी पेवलो जिन प्याजे या वाइगॉस्की तो देखो जो इनसाइट थ्योरी थी ये गैस्टाल थ्योरी को इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय गैस्टाल थ्योरी ठीक है तो इसका आंसर होगा ए ये थोड़ी लिंक करते हैं दूसरे से तो क्वेश्चन नंबर अठारह का आंसर होगा ए लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिकली आर कॉल्ड डाइस्लेक्सिया डाय कैलकुलर डायग्राफिया डायस्ट्रेक्सिया तो इसका आंसर होगा स्प्रेक्स के तो स्पीच से रिलेटेड होती है जो मसल के कारण होती है डा कैलकुलिया या डायग्राफिया डायग्राफिया लिखने के लिए होती है डायग्राफिया मतलब लिखने से रिलेटेड डाई कैल्कुलिया होगा इसका आंसर उन्नीस का ऑप्शन बी अगला हु क्रिएटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ किन्डर गार्डन तो किन्डर गार्डन का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था मॉन्टेसरी डुई रूसो या फ्रोबेल तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ किंडर गार्डन था दोस्तों ये दिया था आपका फ्रोबेल ने असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स अकाउंट फॉलोइंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट तो असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक अकाउंट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट इसके अलावा किसके अलावा असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट है इधर ठीक है इसको ध्यान रखिएगा तो नीड्स ऑफ स्टूडेंट मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट तो क्वेश्चन नंबर इक्कीस का दोस्तों आंसर होगा नीड्स ऑफ स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटी इन हर टीचर टीचर रिलीफ टू द टीचर फैसिलिटी इफेक्टिव असमेंट प्रोवाइड लर्नर्स यूटिलाइज मैक्म नंबर ऑफ स्टूडेंट टू एनहेंस लर्निंग तो अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एंड एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट टू एनहेंस लर्निंग ठीक है ज्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मैं, जो एनहेंस करना चाहेगा उनकी लर्निंग को वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी सेटअप लिपचिंग जर्मनी में हुई थी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर तेईस आवर फेवरेट ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार मैंने दो से तीन बार ये नॉन मेडिकल में ब्याया हुआ आवर फेवरेबल ओपिनियन वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ स्टीम विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है नर्वस सिस्टम की दोस्तों वो होगी न्यूरोन विच वन इज द करेक्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्री इन्फेरिटी इन एरेक्शन साइकोलॉजिकल थ्योरी तो विच वन इज द करेक्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्री एंड इन्फेरिटी इन एरक्शन ये एरेक्शन की स्टेजिज थी इन साइकोलॉजिकल थ्योरी छः से बारह ईयर विच इज द कंडीशन स्टूमल इन पेबलो कंडीशनिंग जो कंडीशनिंग स्ट्यूमलस था वो थी बेल ऑप्शन ए उूज कॉम्पोनेंट इज इनकोडिंग अच्छा ये मेमोरी से रिलेटेड है दोस्तों इनकोडिंग दो है मेमोरी से रिलेटेड है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्सट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंसी तो जो सोशल इंटेलिजेंसी गेव कॉन्सैप्टिक्टैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंसी की बात की थी थोन डाइक ने विच आर द फॉलिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बींग सेल जीन्स क्रोमोजोम एन्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग वो किसके थ्रू जाती है दोस्तों जीन्स के थ्रू जाती है तो दोस्तों ये थी आपकी 2020 का पेपर तो कैसा लगा आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों एक हज़ार के माइल तक हमें पहुँचाइए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय